नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपको कोकोनट यानी नारियल का बुरादा और केसर से जो बर्फ़ी बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। नारियल बर्फ़ी बनाने के लिए हमने नारियल का बूरा लिया है, एक कप, आधा कप दूध, आधा कप शक्कर, मतलब इसी का आधा है और ये भी आधा है। और अगर वजन से देखें तो नारियल पाउडर 70 ग्राम है और दूध और शक्कर दोनों ही 100 मिलीलीटर और 100 ग्राम। और दो चम्मच हमने, दो बड़े चम्मच मलाई ली है और थोड़ा सा दूध इसमें से इसमें निकाल लिया है, क्योंकि इसमें हम कलर के लिए केसर के कुछ धागे इसमें डाल देंगे और ये थोड़ा सा भीग जाएगा तो इसका कलर आ जाएगा। और जब हम इसको बर्फ़ी को सेट करेंगे तो हम इस वाली ट्रे में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको अभी ही थोड़ा सा घी लगा के और ग्रीस कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पार्चमेंट पेपर, अगर पेपर है बटर पेपर तो हम इसमें लगा देंगे जिससे कि वो इजीली निकल जाए। अब हम दूध को कढ़ाई में डालेंगे। नारियल बर्फ़ी के लिए सबसे पहले हम दूध गरम कर लेंगे और दूध में ही हम जो हमने शक्कर ली थी वो हम डालेंगे और इसको पिघलने तक हिलाएंगे। चीनी इसमें पूरी पिघल चुकी है। अब हम इसमें जो केसर वाला दूध था वो हम इसमें डाल देंगे और केसर वाले दूध को डालने के बाद में जो हमारा नारियल पाउडर था वो हम इसमें पूरा डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही ये चलेगा। थोड़ा सा मिक्स होने लगा है ये, तो अब हम गाढ़ा होने से पहले ही इसमें पूरी मलाई डाल देंगे और मलाई के साथ भी इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। और जब तक भी ये सूखेगा नहीं हल्का सा, तब तक हम इसको चलाएंगे। 2-2.5 मिनट हो गए और 2-2.5 मिनट में ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, ये देखिए, लेकिन अभी भी इसमें अच्छा खासा दूध और मलाई है, तो इसको अभी भी हम 2 या 3 मिनट पकाएंगे। छः सात मिनट हो चुके हैं और 6-7 मिनट में सूखा हुआ तो हो रहा है, ये घी भी निकल रहा है इसका, लेकिन हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये जमने लायक होगा या नहीं। हालांकि ये इकट्ठा हो रहा है, ये इस तरह से तेल भी निकल, घी भी निकल रहा है इसका, लेकिन हम एक छोटा सा पीस यहाँ निकाल के और ठंडा करके और एक बार देखते हैं कि वो जमने लायक है या नहीं। तब तक हम इसको बिल्कुल कम आंच पे तेज नहीं करेंगे और हिलाते ही रहेंगे। इसको हम अभी देखेंगे, अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा फिर देखती हूँ मैं। अब ये 8 से 9 मिनट हो गए और अब मैं इसमें से वापस से निकाल के देख लेती हूँ, क्योंकि पहले वाला जो था वो तो थोड़ा चिपचिपा था, इसलिए मैंने इसको वापस से 2 मिनट और कुक कर लिया। अब मैं एक बार गैस बंद कर देती हूँ। अब ये आराम से गोली बन रही है और सब आराम से ये बर्फी वगैरह सब सेट हो जाएगी, इसलिए अब गैस बंद कर रही हूँ और मैं इसको ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं
और चूंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है इसलिए ये थोड़ी कम ही जगह में ये आ पाएगी। इसको जितनी हमको मोटी रखनी है, हल्की सी मोटी तो हमको रखनी ही पड़ेगी ये, क्योंकि जो नारियल की बर्फी होती है वो थोड़ी सी मोटी ही अच्छी लगती है, बहुत पतली तो नहीं अच्छी लगती। तो इसको मैं एक बार बिल्कुल बराबर करके और इसको कर लेती हूँ। अब हम इसको जमने तक 1 या 2 घंटे तक हम इसको ढके रख देंगे, फिर हम इसको कट करेंगे। 2-3 घंटे हो गए और ये इसमें से हम निकाल लेते हैं और इस पर भी हम काट सकते हैं और उल्टा करके भी हम इसको काट सकते हैं। तो एक बार हम इसको पूरा ही निकाल लेंगे। अब हम इसको काट लेंगे। बीच में से एक एक और कर दे। इस तरह से ये जो बर्फी है वो आराम से निकल रही है। और यदि हम इसको काट के देखना चाहें तो बहुत इजीली ये कट रही है, बहुत ही इजीली और बहुत ही सॉफ्ट है।